कंप मच गया जब वहां के एक फार्म हाउस में चल रही रेव पार्टी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने विदेशी लड़कियों के साथ 26 लड़कों को गिरफ्तार किया। दूसरी खास बात यह भी कि फार्म हाउस से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। महज चंद घंटे पहले ये नौजवान नशे में झूम रहे थे, लेकिन अब जयपुर के हरमाड़ा थाने में चेहरा छिपाए बैठे हैं। गुलाबी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस से पुलिस ने सुबह 4 बजे 26 लड़कों के साथ फिनलैंड की ये लड़की भी रेव पार्टी मनाते हुए पकड़ी गई है, जिस पर नशे का खुमार साफ नजर आ रहा है। हम लोगों ने तलाशी के दौरान कुछ साइकोट्रोपिक ड्रग्स मिली हैं जो ये लोग कंज्यूम कर रहे थे, उससे रिलेटेड हमने एक मुकदमा हरमाड़ा थाने में रजिस्टर किया है। जिस जगह पर नशे की पार्टी चल रही थी वो मशहूर कोलंबिया नृत्यांगना गुलाबो का फार्म हाउस है। आरोप है कि गुलाबो का बेटा भवानी इस पार्टी का आयोजक था, उसने इंटरनेट के जरिए इन लोगों को इकट्ठा किया था। सर वो पता नहीं फ्रेंड्स के साथ लेके आ गया, किसी को सबका पता नहीं था, ड्रिंक्स का तो पता ही था, बाकी सब अपने साथ क्या कैरी करके ला रहे थे कुछ पता नहीं था। सर आपको पता नहीं था कि ड्रग्स है यहाँ पर? बिल्कुल। कौन ले रहा था? मुझे कोई आइडिया नहीं सर। पकड़े गए लड़कों में गुलाबो का बेटा समेत एक पूर्व न्यायिक अधिकारी का बेटा भी है। मौके से पुलिस को शराब और बियर की बोतलें, अफीम, चरस और हीरोइन जैसे ड्रग्स के पाउडर भी मिले हैं। जयपुर के हरमाड़ा थाने में आप देख सकते हैं जो रेव पार्टी हुई थी उसके सामान जब्त करके यहाँ पर लाया गया है। ये डीजे है, इतना बड़ा डीजे यहाँ पर खेतों के बीच लगा हुआ था। जो मशहूर फोक आर्टिस्ट है गुलाबो और उसके फार्म हाउस पर, सबसे बड़ी बात है कि शराब की कई बोतलें यहाँ पर जब्त की गई है, जिसमें कुछ यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा ये जो है नारकोटिक्स के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें दर्ज है, इसमें कहा जा रहा है कि अफीम, हसीस, चरस, इस तरह के ड्रग्स से ये पाउडर बने हुए हैं। पकड़े गए लोगों पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।